तो हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले प्री वर्कआउट के बारे में। तो मेरे पास है एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन का प्री वर्कआउट, काफ़ी पावरफुल प्री वर्कआउट है ये। तो गाइस, आज हम इसके बारे में बात करने वाले कि हमें इसके क्या बेनिफिट है और हमें इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर हम ज़्यादा इसको यूज करेंगे, और ये कौन कौन यूज़ कर सकता है और हमें ये किस टाइम यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़, आज हम इन सब टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस टाइम लेना चाहिए? तो गाइस, ये प्री वर्कआउट है तो जिम से जाने से 15 मिनट पहले आपको ये प्री वर्कआउट पीना है। किस टाइप से पीना है, मतलब कितना वाटर लेना है, तो गाइस वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और गाइस, इसकी फ्लेवर की अगर बात करें तो ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी एंड कीवी फ्लेवर का है। आप कोई और फ्लेवर ट्राई कर सकते हो, ऑरेंज फ्लेवर ट्राई कर सकते हो, अभी समर चालू है तो आप मैंगो फ्लेवर भी ट्राई कर सकते हो। कई सारे इनके फ्लेवर है, आप साइट पर जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको इसको बाय करना है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ज़रूर बाय कीजिए। वाटर की अगर बात करें तो 300 ml या फिर 400 ml आप वाटर रख सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको आप 300 ml वाटर लीजिए या फिर उससे भी कम, मतलब 200 ml या फिर 300 ml, काफ़ी बेस्ट टेस्ट लगेंगे आपको। तो गाइस, आप इस टाइप से इसको वाटर के साथ जिम से जाने से 15 मिनट पहले यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये किसे किसे लेना चाहिए। अगर हमने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है तो क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं? तो गाइस, ये आपके लिए नहीं है। अभी आपने जिम किया, स्टार्ट किया है, एक वीक हो गया, दो वीक हो गया, वन मंथ हो गया, टू मंथ हो गया, थ्री मंथ हो गया, तो अभी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्री वर्कआउट। अगर इसकी न्यूट्रिशन की अगर बात करें, वन स्कूप की इसकी सर्विंग साइज़ की अगर बात करें तो 13 ग्राम की इसकी वन स्कूप की सर्विंग साइज़ है। तो ये आपको इसकी वेट की अगर बात करें तो ये 400 ग्राम का इसका वेट है और ये वन मंथ ईजिली चला जाएगा आपको। इसमें 30 सर्विंग मिल रही है आपको, 30 दिन आराम से चला जाएगा ये आपको। अगर आप 13 ग्राम डेली यूज़ करोगे तो आपको ये 30 दिन आराम से चलेगा। तो गाइस, इसमें अगर न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो 1 सर्विंग में मिल रही है आपको। इसमें कैलोरी की अगर बात करें तो 1 ग्राम इसमें कैलोरी है जो कि ना के बराबर है। कार्बोहाइड्रेट 0, फैट 0, प्रोटीन 0, ये प्रोटीन सोर्स नहीं है। गाइस, इसमें बेटा एलेनाइन है जो कि है 6 ग्राम, बहुत ही पावरफुल है ये। और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है इसमें 1 ग्राम, इसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है। और एल आर्जिनाइन इसमें 1 ग्राम, इसमें एल आर्जिनाइन है। और इसमें कैफीन भी इन्होंने ऐड किया है। और गाइस, इसमें सिट्रलिन मैलेट भी है जो कि है 2500 mg, जो कि काफ़ी अच्छा है। और गाइस, आपने एक बात नोटिस किया होंगे मेरी कि यहाँ पे बेटा एलेनाइन जो है यहाँ पे 600 mg है। काफ़ी सारे आप प्री वर्कआउट अगर देखोगे तो उसमें 200 mg, 300 mg, 400 mg इतना ही रहता है। 400 mg भी बहुत हाई हो गया। तो गाइस, इसमें 600 mg है, मतलब जो एडवांस है उनके लिए है ये। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने अगर वन स्कूप अगर ले लिया तो बस खेल ख़त्म, आप सीधा डायरेक्ट जाके जिम में सो जाओगे। बहुत ही पावरफुल है ये। तो गाइस, आपको इसको रात में यूज़ नहीं करना है, आपको जिम से जाने से 15 मिनट पहले मॉर्निंग में या फिर आप इवनिंग में 6 बजे तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर उसके बाद अगर यूज़ करोगे तो आपको सोने में दिक्कत हो सकती है गाइस। तो गाइस, अब इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं कि ये हमें प्री वर्कआउट क्या बेनिफिट देगा। तो गाइस, इसके काफ़ी सारे हमें बेनिफिट है अगर आप इसको यूज़ करोगे तो। इसमें क्रिएटिन भी है। एग्जांपल के लिए समझ लो गाइस कि अगर आप स्क्वाट कर रहे हो, स्क्वाट में आपने 100 kg लगाया, 100 kg के अगर आप 7 या फिर 8 रेपिटेशन निकालते हो तो इसे यूज़ करने के बाद आप कम से कम 10 रेपिटेशन निकालोगे 100 kg के। तो गाइस, ये काफ़ी सारे इसके बेनिफिट है प्री वर्कआउट के। आज के लिए इतना ही। सप्लीमेंट खाइए, बॉडी बनाइए। जय बजरंगबली, जय हिंद।